बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 6, और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे केमिकल फॉर्मूले के बारे में। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपको कंपाउंड के नाम मिलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये चीज़ आज आप सीखने वाले हैं और बहुत आसानी से सीखने वाले हैं, हमेशा के लिए आपको याद रहने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और चीज़ों को सीखना है, कोशिश करना है सीखने का, आसानी से आप सीख जाइएगा। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बोनेट मैंने बोला, ऑक्साइड मैंने बोला, तो ये सारे चीज़ों का वैलेंसी क्या होगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया पहले, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे मैग्नीशियम बोला मैंने, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा, तो 1 to 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी कैसे निकालेंगे, क्या होगा, उसका वीडियो आपको मैं बता चुका हूं, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो वीडियो दोनों जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखने का फायदा होगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो चीजें आपके दिमाग में नहीं होंगे तो ये चीजें आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो पहले उन दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला बताना है। तो कैसे फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, तो स्टेप वाइज हम लोग सीखते हैं। तो पहला स्टेप में हमें लिखना होता है, स्टेप वन में लिखना होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड का क्या लिखना हमें? सिंबल। तो जैसे मैग्नीशियम का लिखेंगे तो Mg, और ऑक्साइड का यानी ऑक्सीजन यानी O। पहला स्टेप क्लियर है, क्या लिखना हमें? सिंबल। क्या लिखना है? सिंबल। जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनका क्या लिखना है? सिंबल लिखना है। स्टेप टू, अब कहाँ आएंगे हम लोग? स्टेप टू में क्या लिखना है? तो स्टेप टू में लिखना है वैलेंसी। क्या लिखना है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनका क्या लिखना है? वैलेंसी। और कहाँ लिखना है? तो जस्ट उनके नीचे लिखना है। क्लियर है? तो मैग्नीशियम का वैलेंसी आप लोग याद कर लिए होंगे +2, क्या होगा? +2, और ऑक्सीजन का -2 होता है। अब देखिए, जो फॉर्मूला हमारा बनेगा उसके लिए एक हमें पॉजिटिव और एक हमें नेगेटिव लेना जरूरी है वैलेंसी, तभी वो कंबाइन करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद स्टेप थ्री में हम लोग पहुँचेंगे, और स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, जो हमारा वैलेंसी आया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द वैलेंसी इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट द वैलेंसी इन सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट होल नंबर में इनको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट होल नंबर मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वहाँ इनको कन्वर्ट करना है। जैसे 2, 2 की बात करें तो 2, 2, 2 से क्या होगा? कट जाएगा। तो 2 से 2 कितनी बार में? 1 बार में। और ये भी कितनी बार में? 1 बार में। यहाँ तक क्लियर है? अब जो हमारा जो वैलेंसी मिल गया वो सिंपलेस्ट होल नंबर में, और अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है या कट नहीं सकता है किसी नंबर से। ये वाला स्टेप क्लियर है ना? वैलेंसी को क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर में। जैसे यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता, तो 2 से 2 वन बार में, और 2 से 4 2 बार में, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 आ जाता। अब 1 और 2 किसी और से डिवाइड नहीं होंगे या उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ में आ गया स्टेप। अब इस स्टेप के बाद स्टेप 4 में पहुँचेंगे, और स्टेप 4 में हमें क्या करना है? स्टेप 4 में हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है? तो Mg को उसके उल्टे वाले वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, और O को इसके उल्टे वाले वैलेंसी से। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आ गया? Mg को किससे? इससे, और O को इससे। इसको बोलते हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमारा फॉर्मूला बनके तैयार है। अब लिखेंगे कैसे? तो Mg को कौन सा नंबर मिल रहा है? 1। प्लस माइनस को यहाँ ध्यान नहीं देना है। Mg को नंबर क्या मिल रहा है? 1। तो जब नंबर 1 आएगा तो उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2, 3 आएगा तो हम लोग लिखेंगे, और कहाँ लिखते हैं? नीचे में। तो यहाँ 1 आएगा तो ऐसे लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। O को कौन सा नंबर मिलेगा? तो O को भी मिल रहा है 1, 1, लिखे या ना लिखे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, MgO। क्लियर है? अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि Mg पहले क्यों है, O बाद में क्यों है? तो हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे और नेगेटिव वैलेंसी वाले को बाद में लिखेंगे। तो Mg का वैलेंसी पॉजिटिव था तो Mg को हमने पहले लिखा, O का वैलेंसी नेगेटिव था तो O को बाद में लिखा। आया समझ में? क्लियर हुआ पूरा का पूरा स्टेप हमारा?
कंसेप्ट क्लियर है आप लोग को कैसे करना है, क्लियर है? चलिए दो तीन एग्जांपल और करते हैं जिससे और भी सारी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, क्लियर है? चलिए तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल है अमोनियम कार्बोनेट। क्या है? अमोनियम कार्बोनेट, क्लियर है? कंपाउंड आपको मिल गया अमोनियम कार्बोनेट। अभी इसका क्या लिखना हमें? अब लिखना हमें इसका केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? इनका सिंबल लिखिए। तो अमोनियम का सिंबल क्या होता है? NH4। और कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। स्टेप वन क्लियर है, सिंबल लिख दिया मैंने। स्टेप टू क्या बोलता था? इनका वैलेंसी लिखिए। तो अमोनियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, क्लियर? थर्ड स्टेप क्या था? सिंपलेस्ट होल नंबर। तो ये नंबर ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर में दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इन दोनों को 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आ रहा समझ में? तो 21 में ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट होल नंबर में। नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इनका क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अमोनियम को कौन सा नंबर मिला? 2। तो अमोनियम को कौन सा मिला? 2। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमोनियम क्या है? एक एलिमेंट नहीं, ये एक कंपाउंड है। तो जब भी कंपाउंड आएगा और उसको एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? ब्रैकेट। और नंबर क्या है? 2। तो नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे? 2। अब कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट को 1 मिल रहा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NH42CO3। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आ रहा क्लियर? अमोनियम को मिला 2 तो 2 लिख दिया, और कार्बोनेट को मिला 1 तो 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है? ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल करें, अल्युमिनियम सल्फेट। तो अल्युमिनियम का सिंबल क्या है? Al। सल्फेट का क्या है? SO4। अल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4। ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ये चीज़ें क्या करनी है? याद करनी है। और इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के याद कर लेना है। और ये चीज़ सिर्फ 9th के लिए नहीं, 10th के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4। अब अल्युमिनियम का वैलेंसी लिखना है तो ये +3, सल्फेट का -2, क्लियर है? एक प्लस एक माइनस फॉर्मूला बनेगा। जी हाँ बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट होल नंबर यानी कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो 3 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये तो ऑलरेडी किस में है? सिंपलेस्ट होल नंबर में है। तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एल को क्या मिला? 2। तो एल को 2 लिख देंगे, क्लियर है? और SO4 को क्या मिला? 3। तो फिर से देखिए SO4 क्या है? कंपाउंड। और कंपाउंड होगा तो क्या लगा देना है? ब्रैकेट। और SO4 को क्या मिलेगा? 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। आ रहा समझ में? कैसे बनाना है हमें याद करना है क्या? सिंबल और उनका वैलेंसी, ये चीज़ याद होगा। ऑलरेडी आप लोग केमिकल फॉर्मूला बना दीजिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनके सिंबल और फॉर्मूला याद करना, और उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस चीज़ को जरूर याद कीजिएगा, क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या याद रखना है? हमेशा पॉजिटिव वाले को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में रखना है। जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाला बाद में। कंपाउंड होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, कंपाउंड होगा तो ब्रैकेट। और जो नंबर मिलेगा वो कहाँ लिखेंगे? नीचे में, क्लियर है? साथ में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? नीचे में, क्लियर है? आया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो आज के लिए हम लोग यही सीख रहे हैं, सिर्फ केमिकल फॉर्मूला। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले ऐसे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग सबसे पहले सीखें, ठीक है? थैंक यू।